Swati Mahesh Seva Foundation Scholarship. This scholarship is applicable for the students from grade 12 to undergraduate and postgraduate course ke students ke liye. Ye scholarship ki best part ye hai ki India ke sabhi students ye scholarship ko apply kar sakte hai, chahe aap koi bhi location se belong karte ho. ये स्कॉलरशिप के बारे में मैं सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करना पड़ेगा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है उसका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करूंगी. तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना एंड अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना. आदि महेश सेवा फाउंडेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टर्म्स ऑफ सेलेक्शन दो अलग अलग चीज है. पहले लेट्स नो अबाउट टर्म ऑफ सेलेक्शन. यहाँ पे अगर आप ये स्कॉलरशिप विन कर रहे हो तो ये स्कॉलरशिप रिवॉर्ड डायरेक्टली आपके स्कूल या कॉलेज की फीस को ही क्रेडिट हो जाएगा. यहाँ पे रीएम्बर्समेंट कंसेप्ट नहीं रहेगा, मतलब आपके पेरेंट गार्डियन या सपोर्टर कोई ऑलरेडी आपका फीस पे कर चुके हैं वो स्पेसिफिक ईयर का, तो वो रीएम्बर्स नहीं कर सकते. इनफैक्ट वो डायरेक्टली क्रेडिट होगा आपके कॉलेज के अकाउंट को. देन ये स्कॉलरशिप एवरी ईयर ऑन ईयर आप रिन्यू कर सकते हो बट ओनली ऑन अ कंडीशन, जहां पे आपको अपना 70% मिनिमम एकेडमिक ईयर में मेंटेन करना होगा फॉर योर मार्क्स एंड एकेडमिक रिपोर्ट्स. आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एजुकेशन असिस्टेंस स्टूडेंट हैज टू साइन एजुकेशन असिस्टेंस अंडरस्टैंडिंग, जहां पे स्टूडेंट को साइन करना होगा एक डॉक्यूमेंट एंड ही और शी हैज टू फॉलो द कंडीशन एंड गाइडलाइंस ऑफ द फाउंडेशन. इफ ही और शी फेल्स टू डू, योर फाइनेंशियल असिस्टेंस कैन बी विदड्रॉन एट द एनी टाइम. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट को टेक केयर करना होगा अपना बिहेवियर इन द कैंपस सो दैट ही और शी शुड नॉट एंगेज इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज और रैगिंग एक्टिविटीज. इफ फाउंड सो देन अगेन द फाइनेंशियल असिस्टेंस कैन बी विदड्रॉन. सो टेक केयर कीजिए एज अ स्टूडेंट, आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छा मेंटेन करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बिहेवियर भी आपको अच्छा मेंटेन करना होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वन आफ्टर द अदर. ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपका परसेंटेज मिनिमम 70 रहना जरूरी है इन क्लास 12 एंड ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो ग्रेड 12 से लेके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD कोर्स परस्यू कर रहे हैं. ये स्कॉलरशिप उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज है, बट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनका फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 2.5 लाख है. ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा जो सिंगल पेरेंट है या गार्डियन डिपेंडेंट है, उनके लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्कॉलरशिप नो डाउट दोनों जेंडर के लिए ओपन है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ओपन है, बट द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू अ गर्ल स्टूडेंट टू प्रमोट अ गर्ल एजुकेशन. ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है जो अपना रिमोट करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस एजुकेशन में अपना एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे, उनके लिए ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी ओपन नहीं है. ये स्कॉलरशिप में सिलेक्शन प्रोसेस कम्प्लीटली रिव्यू कमिटी से होता है, जहां पे टेक केयर किया जाए आपके क्लास 12 का मार्क्स, देन आपकी फैमिली इनकम एंड हाउ डिजर्विंग स्टूडेंट यू आर. ये स्कॉलरशिप के अप्लाई प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से पहले जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं बताने जा रही हूँ उसकी सॉफ्ट कॉपीज आप रेडी रखिए, लाइक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th, आपकी कॉलेज के एडमिशन प्रूफ या बोनाफाइड सर्टिफिकेट या एडमिशन लेटर आपको रेडी रखना है. देन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप या तो आधार कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं या स्कूल आईडी या कॉलेज आईडी या लिविंग सर्टिफिकेट को आप अटैच कर सकते हो. एक PDF अटैच करना होगा विच इंक्लूड्स 3 to 4 फोटोग्राफ ऑफ योर होम विच इंक्लूड्स इनसाइड एंड आउटसाइड पिक्चर्स. देन आपको अपना फीस स्ट्रक्चर अटैच करना होगा. देन फीस रिसिप्ट इफ एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मैस, स्टेशनरी, एनीथिंग विच यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस, उसके रिसिप्ट्स आपको अटैच करना होगा. देन आपकी फैमिली एनुअल इनकम की सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा एज अ प्रूफ, दैट माइट बी फॉर्म 16, ITR और सैलरी स्लिप, नहीं तो आप बैंक पासबुक भी अटैच कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अटैच करना होगा लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, कास्ट सर्टिफिकेट. नो डाउट ये स्कॉलरशिप सभी कास्ट एंड ग्रेड के लिए ओपन है, बट अगर आप बिलोंग करते हो SC, ST, माइनॉरिटी और OBC, देन आपको उसके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा. देन और एक भी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा ओनली इफ एप्लीकेबल, दैट इज अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो उसके रेस्पेक्टिव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा. अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की सर्टिफिकेट या मार्कशीट्स है तो उसको भी एडिशनल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो. टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप हिट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ लॉगिन पेज जहां पे आपको अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हो तो. अगर नहीं हो तो देन क्लिक ऑन अ रजिस्टर बटन जहां पे आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड देके साइन अप करना है. देन यू नीड टू लॉग इन टू योर अकाउंट.
देन वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा. इसमें 7 डिफरेंट फेजेस है, लाइक पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एजुकेशनल असिस्टेंस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, रेफरेंसेस एंड रिव्यूइंग द एप्लीकेशन. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, दैट इज पर्सनल डिटेल, जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट. अगर आप फिजिकली चैलेंज हो तो आप वहाँ पे येस मेंशन कर सकते हो. देन यू नीड टू प्रोवाइड योर कम्युनिकेशन एड्रेस, उसमें टेक केयर कीजिए अपना कॉलोनी का डिटेल, प्लस आपका सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आप बिलोंग करते हो, अलॉन्ग विद द पिन कोड आपको मेंशन करना है. अगर आपका करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो वहाँ पे एक चेकबॉक्स है, उसको क्लिक कर सकते हो. अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप सारे डिटेल्स फिल कर सकते हो. देन यू नीड टू प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम एंड आपका रिलेशनशिप क्या है उनके साथ. देन 10-digit मोबाइल नंबर, अगर लैंडलाइन नंबर अवेलेबल है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. एंड ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होगा. यहाँ पे भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन टेक केयर करना होगा. अगर आपका करंट कॉन्टैक्ट पर्सन सेम है प्लस परमानेंट सेम है तो चेकबॉक्स क्लिक कीजिए, नहीं तो आप अलग इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो. अभी आपको अपने फैमिली के बारे में बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा. फादर नेम, मदर नेम, देन फोन नंबर ऑफ अ फादर और अ मदर, ईमेल आईडी ऑफ अ फादर और अ मदर, देन पैन नंबर ऑफ ईदर फादर और अ मदर. देन आपको मेंशन करना है स्टेट ऑफ ओरिजिन, मतलब आप कौन से स्टेट से ओरिजिन हो, लाइक एनी ऑफ द स्पेसिफिक स्टेट्स. मैं बिलोंग करती हूँ महाराष्ट्र ओरिजिन से, बट मैं स्टे करती हूँ कर्नाटका में, तो डोमिसल मेरा हो गया कर्नाटका. देन आपको प्रोवाइड करना होगा इन्फॉर्मेशन ये स्पेसिफिक डोमिसल से आप कितने साल से बिलोंग करते हो, लाइक 10 years, 20 years, वो आपको स्पेसिफाई करना है. एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यू नीड टू प्रोवाइड अबाउट योर नेशनलिटी, दैट इज इंडियन, बिकॉज ये स्कॉलरशिप सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उतना ही एप्लीकेबल है. नेक्स्ट डिटेल्स यू नीड टू प्रोवाइड अबाउट योर फैमिली एनुअल इनकम, जहां पे आपको स्पेसिफाई करना होगा आपकी फैमिली एनुअल इनकम क्या है. देन आपको प्रोवाइड करना होगा डिटेल्स लाइक नेचर ऑफ हाउस, दैट इज आर यू ओनिंग हाउस और आर यू स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस और इन एनी अदर ऑप्शन, आपको स्पेसिफाई करना होगा. देन यू नीड टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन लाइक आप कौन से घर में रह रहे हो, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, उसको स्पेसिफाई कीजिए. फर्दर क्वेश्चंस में बताने जा रही हूँ उसको एस और नो में आंसर करना है. जैसे कि आपका कोई कल्टीवेशन लैंड है, आपके घर में AC है, कार है, मोटरसाइकिल है या कोई अदर फैसिलिटीज है लाइक वॉशिंग मशीन और लैपटॉप, ये सभी क्वेश्चंस को आपको एस और नो में आंसर करना होगा. अभी हमको प्रोवाइड करना होगा फैमिली डिटेल्स, उसको क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एक बटन मिलेगा एड अ फैमिली मेंबर, मतलब आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ बटन्स ऐड करना होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में इंक्लूडिंग मी वी आर 5 इन नंबर, तो मैं 4 बटन ऐड करूंगी जहाँ पे फिल आउट करूंगी डिटेल्स लाइक नेम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, एनुअल इनकम, देन डिपेंडेंट मेंबर इन द फैमिली. जैसे कि मेरे मदर डिपेंडेंट है, मेरा ब्रदर अर्निंग है, मेरे फादर अर्निंग है एंड मेरे सिस्टर एंड मी आर डिपेंडेंट मेंबर. सो उसके हिसाब से डिटेल्स फिल आउट करना होगा. नेक्स्ट डिटेल्स आपको फिल करना है अबाउट एजुकेशन रिकॉर्ड्स, वहां पे आपको ड्रॉप डाउन में से वो ऑप्शन चूज करना है जो कोर्स के लिए आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अंडर ग्रेजुएट अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, देन यू नीड टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एकेडमिक ईयर, दैट इज क्लास 10th एंड 12th के डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा, लाइक लोकेशन, इंस्टीट्यूशन, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, देन परसेंटेज, सब्जेक्ट्स और आपका एनरोलमेंट नंबर. अगर आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए प्रीवियसली अप्लाई किए हो देन उसके हिसाब से आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा. नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर योर एजुकेशन. कोर्स डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना होगा लाइक कोर्स नेम, लेवल, स्ट्रीम एंड आपका एनरोलमेंट नंबर अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूशन नेम. देन आपको प्रोवाइड करना होगा द स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन लाइक वेदर इट्स अ गवर्नमेंट एडेड और अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. देन व्हाट इज द टेंटेटिव ईयर ऑफ स्टार्ट ऑफ योर एजुकेशन लाइक मंथ एंड ईयर प्रोवाइड करना होगा. अलॉन्ग विद दैट आपके टेंटेटिव एंड डेट क्या है अपने कोर्स का. देन ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है एंड आप कौन से ईयर में पढ़ाई कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कौन से ईयर में हो. अलॉन्ग विद दैट आपको प्रोवाइड करना होगा कौन से सेमेस्टर में आप पढ़ाई कर रहे हो. लाइकवाइज जो इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना होगा लाइक नेम, एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह वगैरह. अभी आपको प्रोवाइड करना होगा आपके कॉलेज फीस के डिटेल्स लाइक ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस. अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हो तो आपके हॉस्टल एंड फूड की फीस, देन बुक्स एक्सपेंसेस, ऐसे अदर कोई भी आपके एक्सपेंसेस है तो उसको सभी को INR में आपको मेंशन करना है. एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक पॉइंट लिखना है कि आप करेंटली अपने फीस को कैसे मैनेज कर रहे हो.
नेक्स्ट यू नीड टू प्रोवाइड द डिटेल्स लाइक अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी आप एस और नो में आंसर कीजिए. अगर आपको मिला है तो कौन सा स्कॉलरशिप मिला एंड स्कॉलरशिप रिवॉर्ड क्या था इसके बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है कि टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस यू नीड उसको INR में मेंशन कीजिए. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको और कितने साल की पढ़ाई के लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का फीस मैंने मैनेज किया है, कोई सपोर्टर था, कोई गार्डियन था, या मेरे पेरेंट्स ने मैनेज करके मैंने ऑलरेडी पे किया है. मुझे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ के लिए असिस्टेंस चाहिए तो वहाँ पर आप मैंशन कर सकते हो 3 ईयर्स के लिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये आंसर करना होगा वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन देन वंस यू गेट इन टू जॉब, मतलब आप जब अपना अर्निंग स्टार्ट करोगे तब आप अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए आगे आओगे या नहीं, एस और नो में आप आंसर कीजिए. देन वहां पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आपको आंसर करना है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको डिस्क्राइब करना होगा आपकी अचीवमेंट्स के बारे में, विच हैज इंपैक्टेड योर लाइफ, हाउ मेनी चैलेंजेस यू हैव फेस्ड एंड हाउ डिड यू ओवरकम फ्रॉम दैट, एंड आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, एंड आपकी प्रोफेशनल एम या गोल क्या है, उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्यू लाइन्स में एक्सप्लेन करना होगा. नेक्स्ट फेज है रेफरेंसेस, जहाँ पे या तो 1 or 2 कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स आप प्रोवाइड करना होगा जिससे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाएगा, सो दैट आप अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हो वो करेक्ट है या रॉन्ग है वेरीफाई करने के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाएगा. वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना है लाइक नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, फोन नंबर, ऑफिस नंबर एंड ईमेल आईडी, या तो 1% का नहीं तो 2% का मैक्सिमम आप दे सकते हो. नेक्स्ट फेज आता है डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अटैच. मैं ऑलरेडी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत है ये स्कॉलरशिप रिलेटेड मैं एक्सप्लेन की हूँ. अगर आपको कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो आप रीप्ले करके देख सकते हो. एंड मेक श्योर सभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच कीजिए एंड ऑप्शनल आपको बेनिफिशियल रहेगा. वंस यू हैव अटैच्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स तभी आपको लास्ट फेज ऑफ द एप्लीकेशन मिलेगा, दैट इज रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन. अब तक आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किया है उसको डबल चेक कीजिए. अगर सभी सही है तो आप सबमिट कर सकते हो, अगर नहीं है तो वहां पे आप एडिट करके इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो. वंस यू डन विद ऑल क्लिक ऑन द सबमिट बटन. दिस इज ऑल अबाउट आदि महेश सेवा फाउंडेशन स्कॉलरशिप. अगर आपको ये स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपकी सारी क्वेरीज को आंसर करूंगी. साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड टिल नेक्स्ट टाइम.